चंद्रमा सदियों से मनुष्यों के लिए आकर्षण का स्रोत रहा है। पृथ्वी से इसकी निकटता और इसकी अपेक्षाकृत सरल सतह इसे अन्वेषण के लिए एक आदर्श लक्ष्य बनाती है। पिछले 60 वर्षों में हमने चंद्रमा पर दर्जनों मिशन भेजे हैं। इस वीडियो में हम आज तक के शीर्ष 5 चंद्रमा अन्वेषण प्रयासों पर एक नजर डालेंगे। हम प्रत्येक मिशन के लक्ष्यों, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा की गई खोजों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे एप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factover.com को विजिट करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। एक, लूना 2। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान सोवियत संघ का लूना 2 था, जो 14 सितंबर 1959 को चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लूना 2 एक छोटा मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जिसे चंद्रमा तक पहुंचने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ा कदम था। दो, लूना 9। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान सोवियत संघ का लूना 9 था, जो 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा पर उतरा था। लूना 9 एक छोटा मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो एक कैमरा और एक रेडियो ट्रांसमीटर ले गया था। इसने सॉफ्ट लैंडिंग से चंद्रमा की सतह की पहली तस्वीरें भेजी। ये छवियां चंद्रमा की खोज में एक बड़ी सफलता थी और वैज्ञानिकों को इसकी सतह की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। तीन, अपोलो 11। चंद्रमा पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे, जो अपोलो 11 मिशन के हिस्से के रूप में 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। अपोलो 11 अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के वर्षों के प्रयास की परिणति। चार, चांग A4। चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान चीनी चांग E4 था, जो 3 जनवरी 2019 को उतरा। चांग E4 चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम था। चांद की चांग E4 मिशन ने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दूर वाले हिस्से को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद की, जिसकी नजदीकी हिस्से की तुलना में बहुत कम खोज की गई है। 5, आर्टेमिस। आर्टेमिस कार्यक्रम एक प्रमुख उपक्रम है, जिसे पूरा करने में कई वर्षों की आवश्यकता होगी। पहला आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस 1 2024 में लॉन्च होने वाला है। यह एक मानव रहित मिशन होगा, जो ओरियन को चंद्रमा के चारों ओर भेजेगा और पृथ्वी पर वापस भेजेगा। पहला क्रू आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस 2 2025 में लॉन्च होने वाला है। यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजेगा, लेकिन वे सतह पर नहीं उतरेंगे। चंद्रमा पर पहली क्रू लैंडिंग 2026 में आर्टेमिस 3 के दौरान होने वाली है। आर्टेमिस कार्यक्रम मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें मंगल ग्रह पर मिशन के लिए तैयार होने में मदद करेगा। 6, आज तक किए गए चंद्रमा अन्वेषण के कई प्रयासों में से कुछ हैं। प्रत्येक मिशन ने चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में अपना अनूठा योगदान दिया है और भविष्य की खोज का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है। जैसे जैसे हम चंद्रमा का अन्वेषण जारी रखते हैं, हम इसके इतिहास, भूविज्ञान और भविष्य में मानव निवास की संभावनाओं के बारे में और अधिक सीख रहे हैं। चंद्रमा की खोज का भविष्य उज्ज्वल है। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति के साथ हम आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर अधिक से अधिक मिशन भेजने की उम्मीद कर सकते हैं। ये मिशन हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने और उस दिन की तैयारी करने में मदद करेंगे, जब मनुष्य इसकी सतह पर लौटेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, और भी अधिक मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factover.com पर जाएं, जहां हिस्ट्री, ट्रैवल, नेचर, वाइल्ड लाइफ, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के संदर्भ में आकर्षक कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारे ऐप्स के लिए फैक्टोवर के प्ले स्टोर अकाउंट पर जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।